आज का शिविर जो होने वाला शिविर है 4 जून से लेकर 13 जून का जो शिविर है वो शिविर एक सर्वोत्तम शिविर है, जैन संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ शिविर होगा। इस शिविर में उसका नाम भी दिया है सर्वोदय शिक्षण शिविर। सर्वोदय सबका उदय, देने वाले का उदय, लेने वाले का उदय, देखने वाले का उदय, पढ़ने वाले का उदय, पाने वाले का उदय और देने वाले सबका उदय होगा। सर्वोदय नाना प्रकार के विषय हमारे 5 साल के बच्चों से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों से लेकर के 105 साल के सारे बच्चे से भाग ले सकते और इन्हें पढ़ाएंगे। जो स्वयं संस्कार संस्कारित हैं, जो आचरण की आंच पे तपते हैं, अनुभव के मोती जो लुटेते हैं और धर्म का शंखनाद करने वाले बड़े बड़े धर्म सुंदर आचार्य दिगंबर जैन आचार्य, दिगंबर जैन मुनि, उपाध्याय, गणनी आर्यिका माताएं, एलक छुलक आदि अच्छे अच्छे पिछड़ीधारी साधु आपको नाना प्रकार के विषय, आपको स्वप्न विज्ञान जानना हो तो ये आपको मिलेगा, आपको ज्योतिष जानना हो जैन ज्योतिष, जैन स्वप्न विज्ञान, जैन वास्तु, जैन धर्म का ज्ञान, जैन सिद्धांत का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपना सार और बल्कि डमोकार से लेकर के धवला तक आप जो ही पढ़ना चाहते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय आपकी जिज्ञासा जगाने के लिए किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि अभी लगभग 3500 नाम हमारे आ चुके हैं, 3500 फार्म, 3500 लोगों ने फार्म भर दिया है। आप भी मौका मत चुकी है, मैं इसलिए प्रेरणा दे रहा हूँ यदि आप आज फार्म भरते हैं तो आज से ही आप उस फार्म को भर करके अपने ज्ञानावरण कर्म के नाश का रास्ता खोल देते हैं। और यदि आपने संकल्प कर लिया कि मुझे शिविर में जाना है तो आपके रास्ते में आने वाली जो विघ्न बाधा पीड़ाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, साइड में चली जाएंगी कि भाई ये अच्छे रास्ते पर जा रहा है, इतना अच्छा ज्ञान पाना चाहता है, जिसके रास्ते की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। माता सरस्वती आपके अज्ञान अंधकार को दूर करेगी। और आज के दोपहर का अनुष्ठान, भैरव पद्मावती माता का अनुष्ठान अवश्य में आपस में सम्मिलित हुई है, ये अनुष्ठान आपकी विघ्न बाधा को दूर करेगा, कोई सुतक बाधा की परेशानी अड़चन हो उसको मिटाने के लिए। और विशेष करके जो आज जो फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन, इससे बचने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए आज दोपहर का अनुष्ठान जो रहेगा और शिविर निर्विघ्न पूरा हो इसके लिए अवश्य में आप सभी दोपहर के समय उपस्थित रहें, पूरा परिवार जुड़े। और यदि आपने फार्म नहीं भरा है तो अभी फार्म भर दीजिए, क्योंकि इसमें आएंगे पढ़ाने के लिए हमारे गुरु के गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुणसागर जी गुरुदेव, उनके सारे शिष्य आचार्य कनक नंदी जी, देव नंदी जी, पद्म नंदी जी, गुणधर नंदी, गुप्ति नंदी, विद्या नंदी, कुशाग्र नंदी, वैराग्य नंदी, नाना प्रकार के साधु इसमें आएंगे। आचार्य विराग सागर जी, उनके शिष्यों विशुद्ध सागर जी, विमर्श, विमद, विभव आदि आदि आचार्य इसमें रहेंगे। और सन्मत सागर के आचार्य शिष्यों में सन्मत सागर जी, गुरुदेव के शिष्यों में आचार्य सुंदर सागर जी, आचार्य शांत सागर जी, परंपरा में आचार्य अनुभव सागर जी, पट्टाचार्य आचार्य अनेकान सागर जी, गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती जी, गणनी आरिका सुप्रकाश, गणनी आरिका सुभूषणमती माता जी, ये आपको पढ़ाने वाली है। गणनी आरिका शमाश्री, गणनी आरिका आस्थाश्री माता जी, ये आपको पढ़ाने वाली है। बड़े बड़े आचार्य इसमें पढ़ाने वाले हैं, उन सबका आपको ज्ञान मिलने वाला है। और बड़े बड़े आचार्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, आचार्य प्रमुख सागर जी आदि आदि बड़े बड़े जो आचार्य हैं, जो पूरे हजारों हजारों की सभा में विशाल मंचों पर धर्म का शंखनाद करते हैं, ऐसे सभी महामान आचार्य करुणा करते हुए, दया करते हुए आपके लिए अपना ज्ञानामृत देने आ रहे हैं। हमारे मुनिराजों में मुनिराज, हमारे आचार्य श्री देवनंदी के सारे शिष्य मुनिराज, अमर कीर्ति, अमोक कीर्ति, यह आर्ष कीर्ति, जय कीर्ति, ये सभी आने वाले हैं। हमारे मुनि सुरेश गुप्त जी, चंद्र गुप्त जी, ये हमारे बीच में आने वाले हैं। चुलक ध्यान सागर जी, चुलक श्री योग भूषण जी, ये हमारे बीच में आने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारी दोनों आर्यिका माताएं भी शिविर के अंदर रहें और समय लेकर के अपने अनुसार आप भी अपनी योग्यता से ज्ञान दान दे रहे। मैं सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि शिविर में संपूर्ण जब सारे संघ जुड़ रहे हैं तो आप कहाँ पीछे रहते हैं, सारे परिवार आप फार्म निरंतर भेजते रहें, स्पेशल फोन करते रहें, मैसेज करते रहें, भाई फार्म भरा कि नहीं भरा, उनको बताइए कि आपको जो जानना हो, आप जिस विषय में जानना चाहते हो ये विषय आपको मिलेंगे और आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे, ज्ञान भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे, सम्मान पत्र आपको मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और विनर को माला माल भी वो हो जाएंगे, गांधी की माला आदि मिल सकती है, बहुत कुछ मिलेगा।
और पारस पर लाइव चलेगा, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन जो पारस पर बैठ करके देखता बैठेगा वो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएगा, उसकी अटेंडेंस नहीं आ पाएगी। आप पेपर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका अटेंडेंस पूरी होना चाहिए, इसलिए जूम आईडी पर ही आपको रहना होगा। इसका विशेष ध्यान दें, जो जूम आईडी पर रहेगा उसका अटेंडेंस उसकी लग जाएगी, फिल हो जाएगी हम, और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसलिए पारस पर दूसरे लोग देखते रहेंगे, आप तो जूम पर रहें, फॉर्म भरें और लाभ लेवे। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद। बोलो अहिंसा मय सनातन जैन धर्म की जय।